मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है, एक तरीके से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जिसमें है थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। जो अभी तक हमने बात की कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में थ्री टायर सिस्टम होना चाहिए। थ्री टायर यानी कि आपका तीन स्तर पर होना चाहिए, जो कि आपका जिला परिषद हो गया, ब्लॉक और ग्राम। तो पंचायती समिति सबसे पहले, द सेकेंड और मिडिल टायर ऑफ द पंचायती राज इस पंचायती समिति, जिसको पंचायती समिति या हम ब्लॉक समिति भी कह सकते हैं। द सेकेंड और मिडिल टायर ऑफ द पंचायती राज इस पंचायती समिति विच प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। जिला परिषद जो जिला परिषद है और जो ग्राम है, उन दोनों के बीच लिंक का काम करता है, जो ब्लॉक लेवल का डिवीज़न होता है, जिसको पंचायती समिति कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ पंचायती समिति ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन इन द समिति एरिया। उस ब्लॉक में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, उसी जनसंख्या पे उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, यानी कि उसकी शक्ति या उसकी मजबूती डिपेंड करती है। इन पंचायत समिति सब मेम्बर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत। पंचायती समिति में कुछ मेंबर्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, इलेक्ट कर लिए यानी कि चयनित कर लिए जाते हैं, जिसमें आपके ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं। सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत आर एक्स ऑफिसियो मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति। जो ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, वो पंचायत समिति के एक्स ऑफिशियल्स होते हैं। हाउएवर ऑल द सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत आर नॉट एक्स ऑफिस मेंबर ऑफ पंचायत समिति। मतलब ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारे ग्राम पंचायत, जो ग्राम के पंचायत होते हैं, वो सभी ही ऑफिसर्स रह चुके हों, ऐसा नहीं ज़रूरी है। तो ये है कि जो भी ग्राम पंचायत समिति में एक ऑफिसर रैंक पर रहता है, एक अधिकारी पोस्ट पर रहता है, वो कहीं ना कहीं ग्राम सभा का सरपंच बना होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ ये कंडीशन लागू हो। द नंबर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इट्स रोटेटेड एनुअली। जो पंचायत समिति के मेंबर होते हैं, उनकी संख्या वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, यानी राज्य से राज्य, हर दूसरे राज्य में, और ये एनुअली यानी वार्षिक तौर पे रोटेट होती रहती है, मोड होती रहती है। इट मींस दैट ओनली चेयरपर्सन ऑफ सम ग्राम पंचायत इन अ समिति एरिया आर मेंबर ऑफ पंचायत समिति एट अ टाइम। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी ग्राम पंचायत, एक सम ग्राम पंचायत जो समिति है, उसका जो चेयरपर्सन है, जो अधिकारी है एरिया, आर मेंबर्स ऑफ पंचायती समिति एट अ टाइम। एक समय में वो एक ही पंचायत समिति का सदस्य रह सकता है। इन सम पंचायत मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ पंचायत समिति में जो कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं, एज वेल एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसके साथ साथ जो कि संसद के भी सदस्य हैं, हु बिलोंग टू द समिति एरिया, आर को ऑप्टेड यानी कि वो ऐसे सदस्य को ऑप्टेड एज इट्स सम। कुछ पंचायत के जो सदस्य होते हैं, वो या तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य होते हैं, या विधान परिषद के, एज वेल एज और इसके साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, और वो पार्लियामेंट के भी सदस्य होते हैं। को ऑप्टेड टू द समिति एरिया आर कोऑप्टेड एज मेंबर, मतलब उसके मेंबर की तरीके से वो वर्क करते हैं। चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समिति आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई एंड फ्रॉम अमंग अस द इलेक्टेड मेंबर्स। देयरफॉर जो पंचायत समिति का चेयरपर्सन होता है, जो अधिकारी होता है या अध्यक्ष होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जो चुने हुए मेंबर होते हैं, उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता, लेकिन जो चुने हुए मेंबर होते हैं पंचायत समिति में, उन्हीं के द्वारा इनका चयन होता है। अब हम बात करते हैं जिला परिषद की। तो पहले हमने बात की समिति की, पंचायत समिति की, फिर अब जिला परिषद। जिला परिषद को हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहते हैं। इज़ द अपर मोस्ट टायर ऑफ पंचायत राज सिस्टम। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन संस्थान है हमारा, उसकी जो अपर मोस्ट लेवल है, वो जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। The institution has some directly elected members whose number differ from state to state.
इसमें जो है जिला परिषद में सदस्य होते हैं जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं एज इट ऑल्सो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, और ये भी हर स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत समिति आर एक्स ऑफिस मेंबर ऑफ जिला परिषद। जो पंचायत समिति का चेयरपर्सन होता है वो क्या होता है, जिला परिषद में जो पहले से एक्स ऑफिस ऑफिसर रैंक पे जो रह चुका है, अधिकारी रह चुका है, वही उसका चेयरपर्सन बनता है। जैसा कि बताया कि जो आपका पंचायत समिति का चेयरपर्सन होता है वो कहीं ना कहीं ग्राम का जो सरपंच होता है वही होता है। तो इस तरीके से ये हो गया। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट आर आल्सो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ जिला परिषद। जो लोग या जो भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, चाहे विधानसभा के हों चाहे विधान परिषद के हों, किसी डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा विधान परिषद के हों, आर आल्सो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ जिला परिषद। उनको जिला परिषद के मेंबर, जिला परिषद के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जा सकता है। द चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद कॉल्ड अध्यक्ष और प्रेसिडेंट। जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है उसको हम अध्यक्ष या प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं एंड इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई अमंग अस द इलेक्टेड मेंबर्स। इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं उन्हीं के द्वारा चयन से होता है। द वाइस चेयरपर्सन इज़ ऑल्सो इलेक्टेड सिमिलरली। और जो जिला परिषद का वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका भी इलेक्शन इसी तरीके से होता है। जिला परिषद मीटिंग आर कंडक्टेड वंस अ मंथ। जिला परिषद की जो मीटिंग होती है, जो सभा बुलाई जाती है, वो महीने में एक बार बुलाई जाती है। स्पेशल मीटिंग कैन ऑल्सो बी कन्वेंटेड टू डिस्कस स्पेशल मैटर्स, सब्जेक्ट कमिटी आर ऑल्सो फॉर्म्ड। स्पेशल मीटिंग कभी कभार बुला ली जाती है। जिला परिषद मीटिंग आर कंडक्टेड वंस अ मंथ। जिला परिषद की मीटिंग एक बार महीने में बुलाई जाती है। अब फंक्शंस ऑफ पंचायत, क्या फंक्शंस हैं इनके। ऑल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म सच फंक्शंस आर स्पेसिफाइड इन स्टेट लॉज रिलेटिंग टू पंचायत राज। यानी जो भी हमारे राज्य के कानून हैं उनके तहत उनके कुछ कार्य हैं। सम स्टेट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्लिगेटरी यानी कंपलसरी एंड ऑप्शनल फंक्शन। कुछ राज्य जो हैं उनके कुछ कंपलसरी यानी जो उनके लिए ज़रूरी हैं, जो कंपलसरी हैं वो वर्क, और जो ऑप्शनल है यानी कि आप करो चाहे नहीं करो उस तरीके के वर्क ऑफ ग्राम पंचायत बाई अदर स्टेट डू नॉट मेक दिस डिस्टिंग। कुछ राज्य की पंचायतों ने इसको डिस्टिंक्ट कर रखा है यानी अलग अलग कर रखा है, और कुछ ने नहीं कर रखा है। द सिविक फंक्शन रिलेटिंग टू सैनिटेशन, जो उनका नागरिक के प्रति जो फंक्शन है, जो कार्य है वो क्या है, साफ सफाई, क्लीनिंग ऑफ पब्लिक रोड्स, जो वहाँ की रोड्स हैं सड़कें हैं उनकी साफ सफाई, माइनर इरिगेशन, जो भी सूक्ष्म छोटे छोटे फंक्शंस हैं, पब्लिक टॉयलेट जैसे कि आपकी जो सार्वजनिक शौचालय हैं, लेबोरेटरीज, प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक चिकित्सा, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की सुविधा या पानी के पूरा सप्लाई प्रोवाइड कराना, कंस्ट्रक्टिंग पब्लिक वेल्स, जो लोगों के लिए जो कुएं खोदे जाते हैं उनका निर्माण कराना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सोशल हेल्थ, प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन यानी प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा एक्सेट्रा और ऑब्लिगेटरी। ये सब जो फंक्शंस हैं वो मैंडेटरी हैं यानी कि ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। फंक्शंस ऑफ विलेज पंचायत, ये ग्राम पंचायत के लिए ये सारे काम हैं। द ऑप्शनल फंक्शन डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत। और जो ऑप्शनल फंक्शंस हैं यानी कि जो आपके किसके ऊपर हैं, चयन के ऊपर हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं कि पंचायत के पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है। दे मे और मे नॉट परफॉर्म सच फंक्शंस एज ट्री प्लांटेशन। मतलब इन फंक्शंस को जो ऑप्शनल है उनको किया भी जा सकता है और नहीं किया, अगर रिसोर्सेज उपलब्ध हैं तो कराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। जिसमें आपका ट्री प्लांटेशन यानी पौधरोपण है, रोड साइड पे यानी कि सड़क के किनारे पौधों को प्लांट करना, सेटिंग अप ब्रीडिंग सेंटर्स फॉर कैटल, जो मवेशी हैं उनके लिए प्रजनन के केंद्र खोलना, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड एंड मैच्योरिटी वेलफेयर, बच्चों के लिए मैटरनिटी वेलफेयर, बच्चों के लिए और मातृ शिशु
के लिए केंद्र खोलना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का प्रमोशन करना, कृषि को किस तरीके से विस्तार किया जाए इस पे कार्य करना, तो ये ऑप्शनल फंक्शन है। आफ्टर द 73rd अमेंडमेंट द स्कोप ऑफ फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत वॉज वाइडन। 73वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायत का जो कार्य हो गया वो बढ़ गया। पहले एक छोटे स्तर पे था, लेकिन जब इसका 73वां संशोधन हुआ और संविधान में इसको एक प्रॉपर जगह मिली तो इसका कार्य बढ़ गया। सच इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे जैसे प्रिपरेशन ऑफ एनुअल डेवलपमेंट प्लान ऑफ पंचायत एरिया, हर साल एक जो भी आपने डेवलपमेंट किया उसका प्लान बनाना, एनुअल बजट, वार्षिक बजट तैयार करना, रिलीफ इन नेचुरल क्लैमिटीज़, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं उनके लिए क्या कार्य किया जाए, रिमूवल ऑफ एनरोचमेंट ऑन पब्लिक लैंड्स, जो भी आप सार्वजनिक भूमि है उसका किस तरीके से काम किया जाए उस पर, एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और गरीबी को मुक्त करने के लिए, गरीबी के लिए कौन सा कार्य, गरीबी को हटाने के लिए कौन कौन से कार्य कराए जाए पंचायत के द्वारा, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज थ्रू ग्राम सभास, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेज, किस तरीके से जो ग्राम सभाएं हैं वो बेनिफिट यानी कि लाभ पा सकती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नॉन कन्वेंशियल एनर्जी जो एनर्जी का स्रोत है, जो जहां से ऊर्जा प्राप्त की जाए उसके कौन कौन से स्रोत हैं, इम्प्रूव्ड चूल्हास, जो चूल्हा की व्यवस्था है उसको कैसे अच्छी बनाई जाए, बायोगैस प्लांट, बायोगैस का प्लांट किया जाए, हैव ऑल्सो बीन गिवन अ ग्राम पंचायत इन सम स्टेट, ये काम भी ग्राम पंचायत को कुछ राज्यों में दिए गए हैं। फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति आर एट द हब ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। एक तरीके से देखा जाए जो पंचायत समिति है वो जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं उनका एक हब है, उनका एक सेंटर है। दे आर हेडेड बाई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, और ये जो पंचायत समिति है वो किसके द्वारा, किसकी देख रेख में रहती है, जिनको BDOs कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सम फंक्शन आर इंटरेस्टेड टू लाइक एग्रीकल्चर, कुछ फंक्शन जो हैं वो बेसिक तौर पे किए जाते हैं, जैसे कृषि का कार्य, लैंड इम्प्रूवमेंट, भूमि के सुधार का कार्य, वाटरशेड डेवलपमेंट, सोशल एंड फॉर्म फॉरेस्ट्री, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। द सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन रिलेट्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम स्पेसिफिक प्लान्स, स्कीम्स, प्रोग्राम्स टू विच फंड्स द इनमार्क्ड, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसके लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है पंचायत, जैसे कि पंचायत समिति हैज़ टू स्पेंड मनी ओनली ऑन द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जो पंचायत समिति होती है वो पैसे खर्च करती है अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उसको प्लान आउट किया जाए। द चॉइस ऑफ लोकेशन और बेनिफिशरीज हाउएवर अवेलेबल टू द पंचायत समिति। फंक्शंस ऑफ जिला परिषद, जिला परिषद के क्या कार्य हैं, जिला परिषद लिंक्स पंचायत समिति विद इन द डिस्ट्रिक्ट, जो जिला परिषद है वो पंचायत समिति को लिंक करती है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इट कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़ एंड सुपरवाइजेस देयर फंक्शन, और ये क्या काम करती है, जिला परिषद जो भी पंचायत समिति के कार्य होते हैं उनको सुपरवाइज करना और कोऑर्डिनेट करने का काम, इट प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट प्लान, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट जिला से संबंधित प्लान है उनको तैयार करना, इंटीग्रेट समिति प्लान्स इनटू डिस्ट्रिक्ट प्लान फॉर सबमिशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लान हैं उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लान हैं और जो जिला परिषद के काम है, सॉरी जो समिति के प्लान हैं उनको इंटीग्रेट करना और फिर उनको स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करना। जिला परिषद लुक्स आफ्टर डेवलपमेंट वर्क इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद का काम होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको कार्य को देखना। इट अंडरटेक स्कीम टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये कौन कौन से कामों को अपने हाथ में लेती है, इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी जो कृषि में सुधार कार्य हो रहा है, एक्सप्लॉइट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो भी जमीन के पानी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको देखना, एक्सटेंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इनिशिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़, किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, कंस्ट्रक्ट रोड एंड अदर पब्लिक वर्क्स, फिर सड़कों का निर्माण और अदर पब्लिक वर्क। इट ऑल्सो परफॉर्म्स वेलफेयर फंक्शन रिलीफ लाइक रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज़, इसके अलावा जिला परिषद का और क्या काम, जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं यानी कि प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं उनमें हम किस तरीके से कार्य करें, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्फेनेज एंड पुअर होम्स,
और जो अनाथालय हैं उनका निर्माण करना, जो गरीब लोग हैं उनके लिए घरों का निर्माण करना, नाइट शेल्टर्स, रात्रि के लिए एक शेल्टर्स को प्रोवाइड करना, वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए और औरतों के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करना। इन एडिशन जिला परिषद परफॉर्म फंक्शंस एंट्रस्टेड टू देम अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। जिला परिषद जो है अपने काम को करती है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। फॉर एग्जांपल, जवाहर रोजगार योजना इज़ अ बिग करेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो जवाहर रोजगार योजना है वो एक बहुत बड़ी स्कीम है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। रोजगार योजना इज़ अ बिग करेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर विच मनी इज़ डायरेक्टली गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट टू अंडरटेक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, सेंट्रल से सीधा पैसा जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के पास आता है और डिस्ट्रिक्ट इसको क्या करती है, जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसमें लगाती है, जो रोजगार परक क्रियाकलाप हैं उनमें ये एक्टिविटीज़ में ये पैसा लगता है। तो इस तरीके से जो जिला ये आपका फंक्शन कर, जिस तरीके से ये जिला परिषद काम करता है उस तरह, ये थ्री टायर्स हैं। तो सबसे पहला तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया, फिर ब्लॉक लेवल का हो गया, और उसके बाद फिर आपका ग्राम समितियाँ हो गई या ग्राम पंचायत हो गया। तो ये हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हुआ जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को आप एजुकेशन से कोरिलेट करके आप अपना आंसर बना सकते हो। और आज हमारा ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का टॉपिक फिनिश होता है। ओके, थैंक यू क्लास।